अगर मैं बोलूं आपकी जर्नी छोटी रही लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं आपकी जर्नी से या फिर लगता है कि कुछ और कर सकते थे? मुझे पता है कि अगर ये एविक्शन उस तरीके से नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली मैं और भी बहुत आगे तक जाती, आई एम श्योर आई वुड हैव बीन देयर इन द फिनाले। एंड ये एविक्शन मेरे ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ है और ना ही एविक्शन बिग बॉस की तरफ से हुआ है, ये एविक्शन किसी घर वाला बाहर वाले की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर ये मेरी ऑडियंस के हाथ में होती तो मैं आज अभी इधर आपके साथ में बैठी हुई नहीं होती। कटारिया ने आपको ही क्यों टारगेट किया, क्या आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी इसकी वजह से? आप अगर आप चेस भी खेलते हो ना तो अगर स्ट्रॉन्ग जितने भी प्यादे है वो अगर निकाल देते हो ना तो आप जीत जाते हो। इट्स ऑल्सो अ चेस राइट, ये खेल भी चेस की तरह ही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लव कटारिया को आपसे डर था कि कहीं आप ट्रॉफी लेके ना निकल जाए और वो पीछे हट जाए। अगर मैं रहती तो वो ट्रॉफी मेरी है, मुझे भी पता है। अब यू नेवर नो, आई माइट जस्ट गो बैक इन वाइल्ड कार्ड, यू नेवर नो। बट उनके तरफ से यू नो बाहर और भी लोग थे, जैसे वो कहते हैं हर टाइम एल्विश आर्मी और पर वो उनका नहीं है ना, राइट एल्विश का वो। सो व्हाट डू यू हैव टू से लाइक जो सपोर्टर्स हैं और फिर यू नो साई केतन को भी उन्होंने धमकी भी दिया है बाहर, आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग। आप किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते, वो लीगली भी गलत है। अगर साई चाहे तो उस पर लीगल केस कर सकता है, बाय द वे आप किसी को ऐसे जान पे हमला करना, ये करना वो करना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूंगा, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला है, व्हाट इफ कोई आपके फॉलोअर्स, आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, व्हाट इफ समवन अटैक्स साई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हो सकता है, यू नेवर नो। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी कोई बंदा जो दिमाग से पैदल हो सच में करते वो चीज साई के ऊपर, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप तो बोलोगे सही मैंने तो नहीं किया, पर आपने तो बोला ना वो बात, तो हो सकता है कोई करे फिर। सो आई थिंक साई मतलब उनको आइदर ये उस चीज के लिए पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए कि मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, वो कहीं बातों में निकल गया है, वट एवर यू टेल योर फैंस और योर पीपल और वट एवर योर आर्मी दैट यू डिडंट मीन इट। और साई टुक मतलब साई को लीगली एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में, दैट्स व्हाट आई फील। आई वुड हैव डन द सेम, आई वुड हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। आई डिड नॉट ट्वीट इट बाय द वे गाइज, मेरा एक ही ट्विटर अकाउंट है जो मैं अपने टीम को उसका पासवर्ड देना भूल गई थी, तो उसका एक्सेस मेरे टीम के पास नहीं था। आई हैव अ ट्विटर अकाउंट विच हैज ओनली 600 फॉलोअर्स, ये मुझे अभी पता चला ट्विटर के बारे में जो मुझे नहीं पता था, और उसके भी ट्वीट्स जो है 2020 तक के, आई डोंट यूज ट्विटर सो मच, सो प्लीज हैव अ लुक, दिस इज माय ट्विटर अकाउंट, आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग। स्टिल करोगे? एक मिनट, या उसपे कवर में फनी, शी वाज माय प्रीवियस डॉग, उसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, दिख रहा है क्लियर? सॉरी।